तो हेलो है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास है आज बजाज की पल्सर 150 DTSI। तो मैं आज इसमें डालने जा रहा हूँ टाइमिंग चेन न्यू, और किस तरीके से टाइमिंग चेन डालना है और उसकी टाइमिंग किस तरीके से रखना है तो मैं आप लोगों को फुल जानकारी दूंगा। तो वीडियो पर बने रहो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी टाइमिंग चेन दिखा दे रहा हूँ। तो ये रही टाइमिंग चेन जो हम इसमें डालने वाले हैं नई, और ये जो है ये हमारी पुरानी है। तो इसको किस तरीके से डालना है तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को फुल वॉच करो तभी आप लोग वीडियो समझ पाओगे। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ अनबॉक्सिंग सबसे पहले, उसके बाद जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोनों। तो यहाँ से मैंने एक टाइमिंग चेन निकाल ली है, ये जो हमारी नई वाली है देख सकते हैं आप लोग, और ये जो हमारी है ये पुरानी है। तो इसको मैं मैच करके देख ले रहा हूँ, हमारी ज़्यादा छोटी या ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी दूसरी भी आ जाती है और फिर वो लगती नहीं है। तो फाइनली हमारी ये सेम है, तो इसको चलो अब लगाते हैं। यहाँ से आप लोगों को देख लेना, केम का जो हमारा खाँचा है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो हमारा केम का खाँचा है। और यहाँ स्कीटी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारी चाबी लगती है, चाबी के जस्ट सामने हमारा टॉप पिस्टन टॉप पे हो जाता है। तो अभी हमारा पिस्टन जो है वो टॉप पे है और हमारी केम भी जो टॉप पे है। तो इसको किस तरीके से लगाना तो आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारी लगी होती है, जो पैड हमारे लगे होते हैं टाइमिंग पैड, तो इनको कुछ इस तरीके से इसको पकड़ लेना है। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारी अब जब हम टाइमिंग चेन डालेंगे तो अब हमारी टाइमिंग चेन उसके बाहर से जाएगी, पहले क्या था उसके अंदर से जाती। तो टाइमिंग पैड को हमने पकड़ लिया, उसके बाद डाल रहे हैं इसमें टाइमिंग चेन। छोड़ दिया, तो यहाँ से हमने डाल दिए पकड़ ले टाइमिंग टाइमिंग चेन, चेन आप लोग देख सकते हो। और पकड़ तो ले पकड़ यहाँ ले। से अब इसको मैं बैठा लेता हूँ, कुछ इस तरीके से इसको मैं बैठा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली मेरी क्रैंक की जो गलारी उसमें टाइमिंग चेन बैठ गई, आप लोग देख सकते हैं इसकी गलारी में टाइमिंग चेन जो हमारी वो बैठ गई। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको टाइमिंग चेन को पकड़ के रखूँगा उस, क्योंकि हमारी टाइमिंग चेन नीचे ना चली जाए और निकल ना जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने टाइमिंग चेन बैठा दी है, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें चाबी जो हमारी लगती है क्रैंक में, ये वाली चाबी। इसके बाद जो हमारा लगेगा गियर लगेगा। तो हमारी चाबी जो है वो बैठ गई है, इसके बाद अब लगाएंगे गियर, ये वाला गियर लगाएंगे। इसमें मैं टाइमिंग दिखा दूँ आप लोगों को, कुछ इस तरीके से आप लोगों को नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना है। जो वाइट मार्क का है ये वाला हमारा बाहर रहेगा, क्योंकि हमारा ये टी बताएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको बैठा देना है। तो मैं इसको बैठाता हूँ, कोशिश करता हूँ आराम से बैठ जाता है। तो फाइनली हमारा ये बैठ गया, उसके बाद मैं इसकी टाइमिंग देख ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखता हूँ इसकी टाइमिंग जो हल्का सा आउट है, ये वाले खाँचे पे आना चाहिए, तो ये दूसरे वाले खाँचे पे आ रहा है। तो इसको करता हूँ टॉप पे सबसे पहले जो मैं आप लोगों को इसकी, तो यहाँ से टाइमिंग से मैं पकड़ के खींच रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। पकड़े तो रहो, यहाँ से हम प्लास से करेंगे इसको, टाइमिंग पे लाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ सबसे पहले जो प्लास, तो हाथ से घूम नहीं घूमेगा, तो मैं ले लेता हूँ फाइनली एक प्लास ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ इसकी टाइमिंग, कुछ इस तरीके से प्लास लेकर और हल्का सा मैं इसको घुमा दूंगा। कुछ इस तरीके से मेरी घूम गई, तो हमारी टाइमिंग हो गई है कम्प्लीट। तो मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। तो इसकी टाइमिंग चेन जो हमारी चेम्बर की और इसकी टाइमिंग हो गई है आमने सामने, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं लेता हूँ ऊपर वाली गलारी को, ऊपर वाली गलारी को मैं लगाता हूँ कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा, तो आप लोगों को बताता हूँ इसको किस तरीके से लगाना। आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो कुछ इस तरीके से इसको लगाना, तो मैं आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ। कितने पर मोबाइल पकड़ तो सबसे पहले जो मैं कर लेता हूँ इसकी, हाँ कि नहीं लगा। तो यहाँ से आप लोग देख लो सबसे पल्सर पहले कहाँ जो इधर से करना है पकड़े, हमको काम, वो करना है केम का। और केम का हमारा जो खाँचा है वो हमारा ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे ना आ जाए, पकड़ा क्योंकि अगर नीचे आ जाएगा तो हमारी टाइमिंग आउट हो जाएगी। जो हमारा केम का खाँचा है वो हमारा जो है एकदम ऊपर रहना डाल चाहिए देगा टॉप यार पे, जैसे हमारा पिस्टन टॉप पे चलो उसी यार। तरह हमारे केम का जो वो खाँचा है वो भी टॉप पे रहना चाहिए। तो यहाँ से अब मैं लगाता हूँ इसकी गलारी कुछ इस तरीके से, जो हमारी टी दिख रही है ये वाले खाँचे के सामने आ जानी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग तो यहाँ से ये हमारी टाइमिंग जो है लग चुकी, तो ज़्यादा हो गई, तो मैं इसको एक चूड़ी नीचे करता हूँ।
तो यहाँ से मैं टाइमिंग को उठाया और कुछ इस तरीके से इसको कर दिया नीचे, और उसके बाद केम में आराम से बैठा दूंगा। तो फाइनली हमारी जो है टाइमिंग हो गई कंप्लीट। मैं आप लोगों को पास से दिखा दे रहा हूँ, इसकी जो टाइमिंग टी जहाँ पे लिखा वो हमारी टॉप पे, उसके बाद यहाँ पे जो चैम्बर पे खाँचा और ये वाला खाँचा है दोनों हमारे आमने सामने हो गए। उसके बाद जो टी लिखी हमारी वो एकदम हो गई टॉप पे, और यहाँ से मैं टाइमिंग इसकी दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो क्रैंक के भी टाइमिंग टॉप पे, हमारा पिस्टन भी टॉप पे है, उसके बाद हमारी गलारी भी टॉप पे है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद हम लगाएंगे इसका बोल्ट और करेंगे इसको टाइट। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसकी टाइमिंग चैन किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से हमको डालना है। तो उसके बाद मैं लगा देता हूँ इसका बोल्ट, ये वाला जो 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, इसको लगा के इसको करता हूँ मैं टाइट। तो फाइनली हमारा बोल्ट हो गया टाइट। उसके बाद मैं इसकी टाइमिंग फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो ये खाँचा और ये खाँचा हमारा चेंबर के सामने, उसके बाद टी हमारी टॉप पे है, और यहाँ पे जो वाइसर, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना, यह खाँचे में बैठे रहना चाहिए। उसके बाद मैं चलता हूँ क्रैंक की तरफ। तो क्रैंक की हमारी चूड़ क्रैंक की जो टी हमारी वो भी एकदम टॉप पे पिस्टन। उसके बाद ये जो गियर लगा होता है, ये गियर की भी हमारी टाइमिंग मिली हुई आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें सारा कुछ और करेंगे इसको कंप्लीट। तो यहाँ पे क्लच कवर, यहाँ पे जो सारा कुछ रखा हुआ है इसको करेंगे फिट। तो यहाँ से मैं आप लोगों को फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से टी देख सकते हैं आप लोग, इसकी टाइमिंग जो है हमारी एकदम टॉप पे है पिस्टन क्रैंक का। तो यहाँ पे टी देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और लाइक करना ना भूलें।